दो राक्षस, एक का नाम शुंभ, एक का नाम निशुंभ, देवताओं को परेशान करने लगे। हाहाकार मच गया। अरे शुंभ निशुंभ ने इतनी साधना की, इंद्र के राजगद्दी को भी छीन, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास सब देवता गए। भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, हम जगदम्बा पार्वती से कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। उस वक्त माता पार्वती स्नान करने गईं। माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली और जैसे ही निकली तो देवताओं को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। क्या बात है महादेव, सब देवता आज हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों चले आए? देवी, दो राक्षस बड़े बलवान, देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको बर्बाद कर डाला। अब तो तुम ही उपाय करो, ये सब देवता तुम्हारी शरण में मदद मांगने को आए। माँ के केस गीले थे, बालों से टप टप करके पानी टपक रहा था। परांबा माता ने अपने केसों को लिया, एक जोर का झटका मारा और जैसी झटका मारा तो एक दिव्य शक्ति कौश की माता के रूप में प्रकट हो गई। जाओ जाकर के आप शुंभ और निशुंभ के वध करने के लिए शक्तियां प्रकट करो। कौश की माता हिमालय पर्वत पर आकर के खड़ी हो गई। हिमालय पर्वत इनकी दिव्य देह से ऐसे चमचमाने लगा और उसी समय भगवती ने देवताओं को देखा परेशान, अट्टहास करके भगवती हंसी और अट्टहास करते ही देखते देखते काला भयंकर रूप लेकर के भगवती काल का माँ काली प्रकट हो गई। काली माता ने पूछा, क्या काम करना है? जाओ देवताओं का काम करो, शुंभ निशुंभ चंड मुंड है, इनकी जरा खबर। माता काली दिव्य रूप लेकर के चली, बड़ी बलवान है, घोर चिक्कारती हुई भगवती काली चली। तो शुंभ और निशुंभ उनके पास गए, सबने विचार किया, ये देवी बड़ी अच्छी है। दूत को शुंभ और निशुंभ ने भेजा, जाओ इन देवी से कहो कि हमें पति के रूप में स्वीकार कर ले। तो काली माता हट्टहास करके हंस गई। भगवती बोली, सुना अपने राजा शुंभ और शुंभ से कह देना, हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमसे युद्ध करके हमें जीत पाएगा। दूत ने कहा, महारानी हमारे राजा शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है। तो देवी बोली, हम मानते हैं तुम्हारे राजा शुंभ और निशुंभ बलवान है, लेकिन बाल काल में खेल खेल में हमने सखियों के साथ बैठकर प्रण लिया था कि जो भी पुरुष हमसे युद्ध में जीतेगा उसी से हम विवाह करेंगे। इतना कहते ही शुंभ निशुंभ के पास दूत आया, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो शुंभ और निशुंभ ने धूम्रलोचन नाम के एक सैनिक को बुलाया, जाए धराओ जाओ और जाकर के उस देवी के बाल पकड़कर खींचकर हमारे पास ले आओ। सुनो मारना नहीं है उसे, हमें अपनी धर्म पत्नी बनाना है। धूम्रलोचन गया, हे देवी आप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज बड़े बलवान है, उनके साथ विवाह करो। तो माता को क्रोध आ गया जगदम्बा को, और माता ने मारा नहीं धूम्रलोचन को, अपने दोनों बाहें की मुट्ठी ऐसी बांध कर माँ ने एक जोर की ललकार लगाई, और हुंकार भरते ही धूम्रलोचन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। धूम्रलोचन मर गया। शुंभ और निशुंभ को पता लगा तो बड़ा भयभीत हो गया, लेकिन उसने विचार किया, फिर भी हमें जाना नहीं चाहिए, हमारे पास अभी चंड और मुंड है, चंड मुंड को भेजा। और जैसे ही चंड मुंड को भेजा, भगवती काली के सामने चंड और मुंड दोनों खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। माँ काली देख करके मुस्कुराई, ये साधारण देवी नहीं है काली। भगवती ने देखा, कौन हो तुम? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी हमारा नाम चंड है, इनका नाम मुंड है, या तो आप चलो नहीं तो हमें हाथ उठाने पड़ेंगे, आप स्त्री हो हम छोड़ रहे। भगवती काली को गुस्सा आ गया, बोले हमने तुम्हारे राजा को बुलाया हो, बार बार ये सैनिकों को भेज करके हमारा उपहास कर रहा, या तो अब राजा आए वरना मैं आकर के समूल अमरावती पूरी नगरी को जला दूंगी और शुंभ और निशुंभ को मार डालूंगी। भगवती काली ने चंड और मुंड के दोनों के सिर पकड़ करके अट्टहास करके काट डाला और दोनों के सिर लेकर के परांबा के चरणों में डाल दिया। परांबा बहुत खुश हुई और कहा कि जो भी नवरात्रि में अथवा किसी भी संकट के समय भगवती भद्रकाली का ध्यान करेगा, वो कैसी भी विपत्ति में पड़ जाए, माँ भद्रकाली उसका आकर के रक्षा करेंगी। बोलो काली मैया की जय हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।